हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एडिट और ऑब्जेक्ट मोड के बारे में जानेंगे। तो आपके सामने जो मोड दिख रहा है ये डिफ़ॉल्ट मोड है ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। जब भी आप ब्लेंडर ओपन करेंगे तो ऑब्जेक्ट मोड में आपको ये नज़र आएगा और ये डिफ़ॉल्ट है ब्लेंडर के लिए। तो आपको अभी अगर इसमें जाना है तो ऑब्जेक्ट मोड में देखिए क्या होता है। सिंपल सा कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सपोज़ ये मैंने ये ऑब्जेक्ट ऐड किया, शिफ्ट प्रेस करके फिर न्यू ऑब्जेक्ट ऐड किया, तो ये है। तो अगर आप इस मैश में ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। सपोज ये मेरे पास ये मैश है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे को इसमें मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है, तो मैं इसमें नहीं कर सकता हूँ। ये पूरा का पूरा मैश में सपोज कीजिए, अगर मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ इधर से, जैसे ये मैश छोटा बड़ा हो रहा है इधर, है ना। तो ये आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, आप ज़्यादा इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, अब मेरे को इसमें कुछ और बनाना है तो मैं इसमें से कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसमें वर्टेक्स, एज और फेस को मैं इसमें टच भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पूरा मैश को ही मैं चेंज कर रहा हूँ। तो इसको चेंज करने के लिए आपको एडिट मोड में जाना पड़ेगा। तो एडिट मोड में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर शॉर्टकट की यूज़ करूँ तो टैब प्रेस कर दूँ और यहाँ, तो सीधा यहाँ से जाके आप एडिट मोड में जा सकते हैं। यहाँ पर सीधा मॉडलिंग में जाइए, ठीक, एडिट मोड में आप आ गए। अब यहाँ पर आप बहुत सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पर देखिए, तो आप देखिए मैं इसको अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ यही सेलेक्ट हो रहा है, ये वाला आइटम सेलेक्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट मोड में सेलेक्ट किए थे तो सिर्फ इसी को सेलेक्ट किए थे, इसको नहीं किए थे। अगर इसको मेरे को एडिट करना है एक साथ में तो दोबारा से मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मोड में जाना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और तब टैब प्रेस करूँगा तो अब मैं इस दोनों वर्टेक्स में चेंजेस ला सकता हूँ, ठीक है। ये सपोज कीजिए मेरे को क्या करना है, इस वर्टेक्स को अगर मैं 3 प्रेस करके देख रहा हूँ, इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को आपस में मेरे को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, F प्रेस करेंगे। तो F प्रेस करेंगे तो ये आपस में ये नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप टैब प्रेस कीजिए, वापस से आप जाइए ऑब्जेक्ट मोड में, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर कंट्रोल जे, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो कंट्रोल जे करने से ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। कैसे, जैसे देखिए अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये पूरा मूव हो रहा है, ओके। और फिर अब मैं टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और एफ प्रेस करता हूँ, तो देख रहे हैं आप ये आपस में फील हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके एफ प्रेस करके, तो फील हो गया। तो इस तरह से फील हो गया और इस तरह से आप इसमें दोनों में एडिट कर सकते हैं। इस दोनों एज को सेलेक्ट करके एफ प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपस में इस तरह से जुड़ रहा है। इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड में गया और इस फेस को, इस फेस को सेलेक्ट करके मैं फील कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप बहुत कुछ यहाँ पे बनाया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं टीवी का शेप बन गया, इस तरह से आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सब किस में किया जा रहा है, एडिट मोड में किया जा रहा है। और हम इस दोनों ऑब्जेक्ट को कैसे जोड़े हैं, कंट्रोल जे करके। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे, ओके। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।